हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। अलैंगिक जनन कितने विधियों द्वारा संपन्न होता है? तो दोस्तों, हम स्टार्ट की बहुत सारी विधियां हैं अलैंगिक जनन संपन्न होने की, बहुत सारी विधियां हैं जिनमें से कुछ प्रमुख विधि जो है आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं अलैंगिक जनन की। तो दोस्तों, जो अलैंगिक जनन की प्रमुख विधि है वो द्विभाजन है, जो सामान्यतः जीवों में पाई जाती है। द्विभाजन को हम द्विविखंडन भी कहते हैं। द्विभाजन को हम द्विविखंडन भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बाइनरी फिजन भी कहा, बाइनरी फिजन कहा जाता है। जो अगली विधि है वह बहुविभाजन है। इसे इंग्लिश में मल्टीपल फिजन कहा जाता है। दोस्तों, अगली विधि के बारे में बात करते हैं। अगली विधि कौन सी है? अगली विधि मुकुलन है। मुकुलन भी जो है जीवों में अलैंगिक जनन की एक प्रमुख विधि है, जिसे इंग्लिश में बडिंग कहा जाता है। अब देखते हैं अगली विधि। अगली विधि कलिका जनन है। यह भी जीवधारियों में अलैंगिक जनन की एक प्रमुख विधि है। इसको इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। तथा एक प्रमुख विधि है जो जिसको हम बीजाणु जनन कहते हैं। यह भी अलैंगिक जनन की एक प्रमुख विधि है। इसको इंग्लिश में स्पोरुलेशन कहा जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं अगली विधि। अगली विधि भी एक प्रमुख विधि है, जिसे खंडी भवन कहते हैं। इंग्लिश में इसको फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो दोस्तों, अगली भी देखते हैं। अगली भी जो है पुनरुद्भवन है। इसको इंग्लिश में हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन जैसे नाम से ही पुनरुद्भवन, नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब पुनरुद्भव, पुनः उत्पन्न होना, तो पुनरुद्भवन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीजनरेशन। अगली एक प्रमुख विधि है जो आवृतबीजी प्लांटों में, आवृतबीजी प्लांट्स में पाई जाती है, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन को इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, ये अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां हैं। तो हम अब एक बारी बारी से एक एक विधियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्विविभाजन या द्विविखंडन क्या है, किसे कहते हैं। कोई भी जीवधारी जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो ये अलैंगिक जनन की एक सरल विधि है, जिसमें कोई भी जीवधारी
अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर लेता है और प्रत्येक भाग से नए संतत जीव का निर्माण हो जाता है। जब कोई जीव अपने शरीर को या अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेता है और प्रत्येक भाग से नई संतत जीव का निर्माण होता है, तो यह प्रक्रिया जो है द्विविभाजन या द्विविखंडन कहलाती है, जिसे बाइनरी फिजन कहा जाता है। यह जो विधि है अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना आदि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो एक कोश के जीव हैं, इनमें अलैंगिक जनन की एक प्रमुख विधि है, जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं दोस्तों, युगलीना में अलैंगिक जनन, जैसे कि जनक युगलीना, युगलीना तो आपको डायग्राम पता ही होगा कि युगलीना कैसा होता है। कुछ युगलीना कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें एक बड़ा सा फ्लैजिला लगा होता है, इसमें क्या होता है केंद्रक होता है। तो ये जनक युगलीना है। अभी किस प्रकार से अपने समान नए संतत जीव का निर्माण करता है देखते हैं दोस्तों। ये युगलीना दो भागों में डिवाइड किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से जो है दो नई संततियों का निर्माण हो जाता है। तो यह दोस्तों अलैंगिक जनन की द्विभाजन या द्विविखंडन विधि है, जिसमें कोई जीव विभाजित होकर, अपने शरीर को विभाजित करके दो भागों में नए संततियों का निर्माण करता है। दोस्तों इसमें जो है जो केंद्रक होता है और जो इसका कोशिका द्रव्य होता है, दोनों दो भागों में विभाजित हो जाता है और यह एक कोश की जीवों में अलैंगिक जनन की एक साधारण और प्रमुख विधि है। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं, अब बहुविभाजन क्या है, बहुविभाजन किसे कहते हैं। तो बहुविभाजन क्या है, जब कोई भी जीव अनेक भागों में, अनेक खंडों में विभाजित होकर अपने ही समान संततियों का निर्माण करता है, तो उसे हम बहुविभाजन कहते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं, बहुविभाजन। कोई जीव अनेक खंडों में, अनेक भागों में विभाजित होकर अनेक संततियों का निर्माण करता है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। दोस्तों यह जो है जीवों में यह जो है असामान्य परिस्थितियों में होने वाली गतिविधि है, होने वाली जनन की विधि है। जैसे यह विधि अमीबा में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में भी पाया जाता है। वो क्या होते इस विधि में और द्विभाजन में प्रमुख अंतर यह है कि द्विभाजन में जो केंद्रक होता है, केंद्रक तो विभाजित होता ही है, साथ ही साथ क्या जो उसका कोशिका द्रव्य होता है वो भी दो भागों में विभाजित होता है। लेकिन बहुविभाजन में केंद्रक तो विभाजित होकर अनेक खंडों, अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है, लेकिन कोशिका द्रव्य जो होता है वो विभाजित नहीं होता है। कोशिका द्रव्य जो है केंद्रकों के चारों तरफ एक परिधि का निर्माण करता है, केंद्रकों के चारों तरफ क्या होता है, फैला रहता है, जो केंद्रकों को आवृत किया हुआ रहता है, लेकिन केंद्रक डिवाइड होता है, कोशिका द्रव्य डिवाइड नहीं होता है। इसमें और द्विभाजन में प्रमुख अंतर यही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि द्विभाजन और बहुविखंडन में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे कि द्विविखंडन में केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य भी विभाजित होता है दो भागों में, लेकिन बहुविभाजन में केंद्रक तो विभाजित होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, लेकिन कोशिका द्रव्य जो होता है वो विभाजित
नहीं होता है। तो दोस्तों इस द्विभाजन और बहुविभाजन में प्रमुख अंतर यही है। तो हम आगे बात करते हैं कि मुकुलन क्या है, अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है मुकुलन। मुकुलन क्या है? मुकुलन सामान्य तौर से ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट जिसको हम खमीर भी कहते हैं। तो मुकुलन क्या है तो देखते हैं दोस्तों मुकुलन किस प्रकार से ईस्ट में होता है। जैसे यह हमारा जनक ईस्ट है, यह हमारा जनक ईस्ट है। इसमें कुछ समय पश्चात जब मुकुलन मुकुलन किस प्रकार इसमें कुछ समय पश्चात जो है एक उद्वर्ध निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं मुकुल कहते हैं। उद्वर्ध क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। कुछ समय पश्चात इसमें निकल जाता है जनक से। इस प्रकार से और जो केंद्रक होता है वो दोनों मुकुल जो इसका मुकुल निकलता है जो जनक होता है दोनों में क्या होता है बटना प्रारंभ हो जाता है। केंद्रक जो है मुकुल तथा जनक दोनों में बटना प्रारंभ हो जाता है। और जब मुकुल तथा जनक में दोनों में केंद्रक पूर्ण रूप से बट जाता है तो उसी समय मुकुल जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों यह संतति जीव है जो मुकुलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ और यह जनक जीव है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ईस्ट में मुकुलन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मुकुलन क्या है? मुकुलन क्या है? किसी उद्वर्ध या मुकुल द्वारा नए प्राणी का नए संतति जीव का निर्माण की विधि जो होती है उसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। किसी प्राणी में मुकुल द्वारा किसी संतति जीव का निर्माण मुकुलन कहलाता है। दोस्तों कलिका जनन के बारे में बात करते हैं। कलिका जनन जो है मेनली प्लांट्स में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। इनमें क्या होता है जो पत्तियां होती हैं जो तने होते हैं उनके जो शीर्ष भाग होते हैं उस पर छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं। इन्हीं कलिकाओं से नए संतति का निर्माण जो होता है क्या कहलाता है? कलिका जनन कहलाता है। कलिका द्वारा नए संतति का निर्माण तो यह भी अलैंगिक जनन की एक प्रमुख विधि है। तो इसमें जो है कलिका द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। दोस्तों हम बात करते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन बात करने से पहले हम जान लें बीजाणु क्या है। बीजाणु एक अगुणित एक कोष की तथा भित्ति युक्त जननिक संरचना होता है जिसका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। दोस्तों बीजाणु जनन प्रक्रिया साधारणतः जली जो है पादपों में पाया जाता है जिसमें क्या होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुओं निर्माण होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है इन्हीं बीजाणुओं से नए संतति जीव का निर्माण हो जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीजाणु जनन कहलाता है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि बीजाणु क्या होते हैं। बीजाणु एक अगुणित एक कोष की भित्ति युक्त इनकी भित्ति जो है इतनी जटिल होती है इतनी जटिल संरचना होती है ये कि पानी में रहते हुए भी ये सड़ती नहीं है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है अनुकूल परिस्थितियां आती हैं वैसे ही इनसे नए संतति का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों यही प्रक्रिया क्या है? बीजाणु जनन कराती है। बीजाणुओं द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है? बीजाणु जनन कराता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं खंडी भवन। खंडी भवन क्या है? खंडी भवन भी एक प्रकार की पुनर्भवन जैसी ही प्रक्रिया है। खंडी भवन जो है प्लांट्स में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, जो निम्न श्रेणी के पादप हैं उनमें खंडी भवन पाया जाता है। पुनर्भवन की प्रक्रिया जंतुओं में पाई जाती है। जंतुओं में पुनर्भवन और पादपों में खंडी भवन। खंडी भवन क्या है? जैसे रिक्सिया मार्केंसिया स्पायरोगायरा वगैरह वगैरह जो छोटे निम्न श्रेणी के जो पादप हैं उनमें खंडी भवन द्वारा मतलब
इनका जो इन जो ये जो पादप है, इनका जो काय होता है, जो शरीर होता है, कई खंडों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक खंड से नए पादप का, नए संतति पादप का निर्माण हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? खंडीभवन कहलाता है। दोस्तों हम बात करते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जंतुओं में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाई जाने एक साधारण अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जीवधारी का जो शरीर होता है अनेक खंडों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो जाता है। यही प्रक्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन कहते हैं। यदि किसी भी जीव के शरीर को कई खंडों में डिवाइड कर दिया जाए और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन, जिसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो दोस्तों पुनरुद्भवन अमीबा, प्लेनेरिया आदि सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन संपन्न होता है। जैसे ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया इस प्रकार से प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर होता है। तो प्लेनेरिया यहाँ पे हम जितने खंडों में प्लेनेरिया काट देंगे, जितने खंडों में हम प्लेनेरिया को कट करेंगे, प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करते हैं। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से प्लेनेरिया के प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है। दोस्तों इस प्रकार से प्लेनेरिया के प्रत्येक खंड से नया संतति प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि प्लेनेरिया में किस प्रकार से पुनरुद्भवन संपन्न हुआ। प्लेनेरिया, एक जनक प्लेनेरिया को हमने तीन खंडों में डिवाइड किया और प्रत्येक खंड से नया प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। ये जो प्लेनेरिया बने हैं इसको हम क्या कहेंगे, संतति। संतति जीव कह सकते हैं, संतति जंतु कह सकते हैं। और ये हमारा क्या है, जनक। हाँ दोस्तों अब हम कायिक जनन के बारे में बात करेंगे। कायिक जनन होता क्या है? कायिक शब्द से क्या तात्पर्य है? कायिक का मतलब क्या होता है? काय मतलब शरीर, शरीर से तात्पर्य है। कायिक जनन मुख्यतः पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो आवृतबीजी किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स जिनका बीज क्या होता है, आवृत होता है खोल द्वारा, किसी बाह्य खोल द्वारा आवृत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवृतबीजी पौधे कहते हैं। तो आवृतबीजी पादपों में यह अलैंगिक जनन की एक प्रमुख विधि है, जिसमें क्या होता है, जो मातृ पादप होता है उसके कायिक अंगों द्वारा नए संतति पादप का निर्माण होता है। मातृ पादप, या हम कह सकते हैं दूसरे परिभाषित, इसको परिभाषित भी कर सकते हैं इसी प्रकार से कि मातृ पादप के कायिक अंगों द्वारा संतति पादप का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन की भी बहुत सारी विधियां हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। तो धन्यवाद।